हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल एक्सपी क्लासेस में। आज आपके लिए वीडियो है वुमेन्स एजुकेशन, जो क्लास 12th का अप्रोच का 6वां चैप्टर है, जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा लिखा हुआ एक निबंध है जो स्त्रियों की शिक्षा पर है। इसके आज कुछ शॉर्ट आंसर हैं। शॉर्ट आंसर शुरू करने से पहले मैं स्टूडेंट से बताना चाहूँगा कि इसका जो टेक्स्ट का वीडियो है वो ऑलरेडी हम दे चुके हैं, उसके लिए आप प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें और उस चैप्टर को पहले देखें ताकि आपको अच्छे से कंप्लीट हो जाए, फिर इसके बाद शॉर्ट आंसर पर आएं। फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अधिक समय ना लेते हुए। पहला जो क्वेश्चन है इसका, वॉट आर द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू वीमेन इन आवर टाइम्स, कि हमारे समय में अर्थात वर्तमान में महिलाओं को कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ यानी कौन सी सुविधाएं अवसर उपलब्ध हैं, कौन से अवसर उपलब्ध हैं। तो आंसर है इसका, देयर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल फॉर वीमेन इन आवर टाइम्स, कि हमारे समय में इन आवर टाइम्स हमारे समय में स्त्रियों को बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटी हैं अवसर हैं वो उपलब्ध हैं, अवेलेबल हैं। तो दीज आर इन द एरियाज ऑफ सोशल वर्क, पब्लिक वर्क एंड एडमिनिस्ट्रेशन, कि ये जो सुविधाएं हैं वो इन द एरियाज किन क्षेत्रों में, ऑफ सोशल वर्क समाज सामाजिक कार्य के क्षेत्र में, पब्लिक लाइफ में एंड एडमिनिस्ट्रेशन में अर्थात प्रबंधन में या प्रशासन में। अगला क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ वीमेन डज द सोसाइटी नीड, कि किस प्रकार की स्त्रियों की डज द सोसाइटी नीड समाज को जरूरत है, किस प्रकार की स्त्रियों की समाज को जरूरत है। तो आंसर है, द सोसाइटी रिक्वायर्स वीमेन ऑफ डिसिप्लिन माइंड माइंड्स एंड रेस्ट्रेंड मैनर्स, यानी समाज को जरूरत है उन स्त्रियों की जिनका मन डिसिप्लिन है, अनुशासित मन है, एंड रेस्ट्रेंड मैनर अर्थात नियंत्रित व्यवहार है जिनका, रेस्ट्रेंड माने नियंत्रित, मैनर्स माने व्यवहार। दिस शुड ऑल्सो बी ऑनेस्ट, उनको ऑनेस्ट भी होना चाहिए, यानी समाज को उन स्त्रियों की जरूरत है जो ऑनेस्ट हो, डिसिप्लिन माइंड और रिस्ट्रेंड मैनर्स वाली हो, समाज को इस टाइप की स्त्रियों की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन डज डॉक्टर राधाकृष्णन रिकमेंड एंड वाई, कि किस प्रकार की शिक्षा, व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन डज डॉक्टर राधाकृष्णन रिकमेंड एंड वाई, कि किस प्रकार की शिक्षा की डॉक्टर राधाकृष्णन रिकमेंडेशन करते हैं अर्थात रिकमेंड करते हैं, उसको अनुशंसा करते हैं उसकी, और क्यों करते हैं। तो डॉक्टर राधाकृष्णन रिकमेंड्स दैट, वो रिकमेंड करते हैं अर्थात वो इस चीज़ की अनुशंसा करते हैं, इस चीज़ की सलाह देते हैं कि द काइंड ऑफ एजुकेशन दैट इज इम्पार्टेड, कि शिक्षा शिक्षा का वो प्रकार दैट इज इम्पार्टेड जो दिया जाता है दूसरों को प्रदान की जाती है, मस्ट नॉट ओनली बी ब्रॉड, केवल वो ब्रॉड ना हो, फैली हुई ना हो, चौड़ी ना हो, बट ऑल्सो डीप, वो गहरी भी हो। इट ऑल्सो हेल्प द स्टूडेंट्स इन डिफाइनिंग देयर एम्स इन लाइट्स, कि इट शुड हेल्प द स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट की हेल्प भी करे, मदद भी करे इन डिफाइनिंग देयर एम्स इन लाइफ, यहाँ लाइट्स की जगह लाइफ है, कि जो वो उनके एम्स को भी डिफाइन करें, यानी एम्स को डिफाइन करने में, परिभाषित करने में भी मदद करें। ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो ना कि चौड़ी ना हो बल्कि गहरी हो और स्टूडेंट के उद्देश्यों को भी डिफाइन करे, परिभाषित करे। अगला क्वेश्चन चौथा, व्हाट हैज़ द सोशियो कल्चर लाइफ ऑफ अवर टाइम्स बीन डिस्क्राइब्ड एज अंडर डेवलप्ड इन द लेसन वीमेन्स एजुकेशन, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एंशियंट टाइम्स, कि फिर से क्वेश्चन की एक बार देखें, वाई हैज सोशियो कल्चर लाइफ ऑफ आवर टाइम्स बीन डिस्क्राइब एज अंडर डेवलप्ड इन द लेसन, कि जो सोशियो कल्चर लाइफ यानी सामाजिक सांस्कृतिक जीवन को अविकसित क्यों कहा गया हमारे समय में, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एंशियंट टाइम्स, कि ये प्राचीन समय से कैसे डिफरेंट है, अलग है। अंडर डेवलप्ड माने अविकसित। तो आगे देखें इसका आंसर, द सोशियो कल्चर लाइफ ऑफ आवर टाइम्स, कि हमारे समय की जो सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन है
हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अंडर डेवलप्ड, कि उसको अंडर डेवलप्ड बताया गया है, यानी डिस्क्राइब किया गया है अंडर डेवलप्ड यानी अविकसित, बिकॉज क्योंकि सोशल राइट्स वर टेकन अवे फ्रॉम द वीमेन, क्योंकि सोशल राइट्स यानी सामाजिक जो अधिकार है वो टेकन अवे छीन लिए गए हैं स्त्रियों से फ्रॉम द वीमेन, एंड दे वर फोर्स टू लिव, और उनको बाधित किया गया है, बाध्य किया गया है जीने के लिए विद इन द हाउस ओनली, घर के ही अंदर केवल। तो इन एंशियंट टाइम, प्राचीन समय में, अनलाइक टूडे, आज की तरह नहीं, अनलाइक माने नहीं, आज की तरह नहीं यानी आज की तरह नहीं, विमेन वर गिवन इक्वल राइट्स, स्त्रियों को समान अधिकार प्राप्त थे। अगला क्वेश्चन है इसका, पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट पर्टिकुलर क्वालिटी डिस्टिंग्यूशेस मैन फ्रॉम विमेन। डिस्टिंग्यूश माने होता है अंतर पैदा करना, कि कौन सा गुण है जो, कौन सी पर्टिकुलर यानी विशेष क्वालिटी है जो डिस्टिंग्यूशेस अर्थात अंतर पैदा करती है मैन फ्रॉम विमेन, स्त्री से, महिलाओं से पुरुषों को अलग करती है, मैन फ्रॉम विमेन। डिस्टिंग्विश मैन अलग करना, मैन फ्रॉम विमेन, पुरुषों को महिलाओं से, महिलाओं को पुरुषों से अलग करती है, वो क्वालिटी कौन सी है? तो आंसर इसका कंपैशन, दया, यानी दया इज द क्वालिटी दैट डिस्टिंग्विशेस मैन फ्रॉम विमेन, कि जो पुरुषों को स्त्रियों से अलग करती है वो है दया। मैन विमेन आर मोर कंपैशनेट देन मैन, कि जो विमेन होती हैं, स्त्रियाँ होती हैं, वो पुरुषों से ज़्यादा, क्योंकि दया के भाव में, भाव की जो कमी होती है वो पुरुषों में ज़्यादा होती है। तो इसका आंसर है, जो पुरुषों में, पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियाँ जो होती हैं ज़्यादा कंपैशनेट होती हैं, दयालु होती हैं। मैन आर मोर कंपैशनेट माने दयालु देन मैन, पुरुषों से ज़्यादा ये दयालु होती हैं। अगला छठवां क्वेश्चन, व्हाट कॉजेज द डिक्लाइन ऑफ वीमेनहुड। कौन सी चीज़ है जो कारण है डिक्लाइन माने पतन का ऑफ वीमेनहुड, स्त्री जाति के पतन का क्या है जो कारण है, अकॉर्डिंग टू एस राधा कृष्णन, एस राधा कृष्णन के हिसाब से, कि कौन सी वो क्या चीज़ है जो स्त्रियों के पतन का कारण है। तो आंसर इसका, द नेचुरल क्वालिटी ऑफ वीमेन इज कंपैशन, कि स्त्रियों की जो नेचुरल क्वालिटी है, प्राकृतिक जो उनका गुण है वो दया है। अ डिक्लाइन इन कंपैशन, और दया में जो कमी है, डिक्लाइन है, कॉज इज द डिक्लाइन ऑफ वीमेन, वीमेनहुड, वुमनहुड, कि स्त्री जाति के, वुमेनहुड के डिक्लाइन, पतन में भी यही कारण होती है। अगर दया में कमी है तो स्त्री जाति पतन की ओर चली जाएगी। अगला क्वेश्चन, व्हाट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एस राधाकृष्णन आर द इम्पोर्टेंट क्वालिटीज ऑफ अ वैल्यू लाइफ, कि कीमती जीवन की इम्पोर्टेंट क्वालिटीज क्या हैं। व्हाट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर राधा कृष्णन, डॉक्टर एस राधा कृष्णन आर द इम्पोर्टेंट क्वालिटीज ऑफ अ वैल्यू लाइफ, कि एक वैल्यू वाले यानी कीमती जीवन की इम्पोर्टेंट क्वालिटीज क्या हैं डॉक्टर राधा कृष्णन के हिसाब से, अथवा व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द इसेंस ऑफ गुड लाइफ, यानी व्हाट कॉन्स्टिट्यूट, कॉन्स्टिट्यूट माने होता है निर्माण करना, इसेंस ऑफ गुड लाइफ, कि अच्छे जीवन के सार को कौन सी चीज़ संस्थापित करती है यानी कॉन्स्टिट्यूट करती है, निर्माण करती है। तो इसका जो आंसर है, दम दान दया, कि दम दान और दया आर द इम्पोर्टेंट क्वालिटीज ऑफ अ वैल्यूएबल लाइफ, कि कीमती जीवन की जो इम्पोर्टेंट क्वालिटीज है वो दम दान दया है। यहाँ क्वेश्चन में वैल्यू लाइफ की जगह वैल्यूएबल लाइफ होना चाहिए, यानी कीमती जीवन। दम इज सेल्फ कंट्रोल, दान इज चैरिटी, एंड दया मीन्स कंपैशन। दान जो है वो चैरिटी है, दान है, और दया जो है वो कंपैशन है, और दम का इधर अर्थ है सेल्फ कंट्रोल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज द ग्रेट ग्रेट टीचिंग, वो महान शिक्षा क्या थी दैट लक्ष्मण्स मदर गेव हिम व्हेन ही वाज गोइंग टू द फॉरेस्ट, कि जब लक्ष्मण फॉरेस्ट जा रहे थे तो जो शिक्षा लक्ष्मण की माँ ने लक्ष्मण को दी थी वो क्या थी। तो आंसर है, लक्ष्मण्स मदर टॉट हिम, लक्ष्मण की माँ ने उसको, उन उस लक्ष्मण को सिखाया था, बिफोर गोइंग टू द फॉरेस्ट, जंगल जाने से पहले, टू लुक अपॉन द फॉरेस्ट एज अयोध्या, टू लुक अपॉन माने समझना, फॉरेस्ट को अयोध्या समझना, एंड टू लुक अपॉन राम एज हिज फादर, और राम को अपना पिता समझना, एंड सीता एज हिज मदर, और सीता को अपनी
माँ मानना। तो ये जो टीचिंग है जो उसकी लक्ष्मण की माँ ने लक्ष्मण को दी थी। अगला क्वेश्चन, व्हाट एडवाइस डज राधा कृष्णन गिव टू द इंडियन वुमेन टू एक्वायर परफेक्ट नॉलेज। कि परफेक्ट नॉलेज प्राप्त करने के लिए, एक्वायर करने के लिए कौन सी ऐसी सलाह है जो डॉक्टर राधा कृष्णन ने भारतीय नारियों को दी है। तो इन ऑर्डर टू एक्वायर परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज एक्वायर करने के लिए, इन ऑर्डर टू मान जिससे कि परफेक्ट नॉलेज प्राप्त की जाए, राधा कृष्णन एडवाइसेस, यहाँ एडवाइसेस होना चाहिए, राधा कृष्णन एडवाइसेस द इंडियन वुमेन, इंडियन वुमेन को सलाह देते हैं टू हैव अ डेफिनेट एंड सिंगल पर्पज इन लाइफ। कि एक निश्चित और एक पर्पज हो जीवन में। कि वे सलाह देते हैं कि स्त्रियों का एक निश्चित और एक ही पर उद्देश्य होना चाहिए। अगला, डिस्क्राइब द मेन पर्पज ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो द मेन पर्पज ऑफ एजुकेशन इज नॉट मियरली टू गेन स्किल, इज नॉट नहीं, मियरली माने केवल, टू गेन स्किल केवल योग्यता प्राप्त करना नहीं है, और अथवा टू नो मोर एंड मोर अबाउट द बर्ड, और ये भी नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा हम मोर एंड मोर ज्यादा से ज्यादा संसार के बारे में जाने, बट द इनिशिएशन इन टू अ हायर लाइफ। वो इनिशिएशन है, प्रारंभ है, एक उच्च जीवन में प्रवेश है। कि शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो केवल स्किल प्राप्त करना नहीं है या संसार के बारे में अधिक से अधिक जानना भी नहीं है, बल्कि क्या है, उच्च जीवन में प्रवेश करना। द मेन पर्पज ऑफ एजुकेशन इज नॉट मियरली, मियरली माने केवल, टू गेन माने प्राप्त करना स्किल, और टू नो मोर एंड मोर अबाउट द वर्ल्ड अथवा संसार के बारे में अधिक से अधिक जानना, बट द इनिशिएशन इन टू अ हायर लाइफ। कि उच्च जीवन में ये प्रवेश है। अगला क्वेश्चन है, वॉट वर द थिंग्स वेमेन वर एंटाइटल्ड टू इन एंशियंट इंडिया। कि वो क्या चीज़ें थी, एंटाइटल्ड टू माने होता है अधिकार देना, वो क्या चीज़ें थी, वीमेन वर एंटाइटल्ड टू इन एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत में स्त्रियों को जिस चीज़ का अधिकार दिया गया था। तो इन एंशियंट इंडिया वीमेन वर एंटाइटल्ड टू अ स्टडी ऑफ द वेदास, वेदास उन्हें वेदों के अध्ययन का अधिकार दिया गया था, स्टडी ऑफ द वेदास एंड टू द चेंटिंग ऑफ द गायत्री जप। कि गायत्री जपने की चेंटिंग का यानी जपने का, गायत्री जप का भी को जपने का भी अधिकार दिया था, यानी गायत्री मंत्र को भी जपने का अधिकार दिया था। तो इस तरीके से ये वीडियो समाप्त होता है। आशा है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, तो इसको लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और आप अपने वैल्यूएबल कमेंट देना ना भूलें, क्योंकि कमेंट ही होते हैं आपके जो हमें और अधिक आपके लिए काम करने को प्रेरित करते हैं, इसलिए कमेंट ज़रूर करें। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट करें, जिससे जो भी नोटिफिकेशन आपको दें वो आप तक पहुंचे, और बेल आइकन हिट करते समय ऑल सेलेक्ट जरूर करें। अगर आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप देखें अवश्य। तो अब आगे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।